सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आ गई है टीचरों की 26,000 से ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं इसी के बारे में सबको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों वो 26,000 टीचर की वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो यह कौन कौन स्टेट के लिए है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या क्या आपको इसमें योग्यता मांगी गई है और क्या क्या आपको एज क्राइटेरिया मांगा गया है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि लगभग 26,000 से ज्यादा पोस्ट की ये वैकेंसी है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो सबको डिटेल्स में जान पाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और इसका प्रोसेस क्या होगा आगे के एग्जाम्स वगैरह के बारे में और क्या मेरिट पे होगी या कैसे कैसे होगी, सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि हमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो हम आपको इसके लिए ले चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे सबको डिटेल्स में समझा के बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में। लेकिन दोस्तों हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आप जैसे लोग होंगे जिनको इस वैकेंसी की बहुत जरूरत होगी तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहां पर सबको डिटेल्स में इस वैकेंसी के बारे में आपको समझा के बताते हैं। तो दोस्तों ये जो 26,000 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है ये राजस्थान की तरफ से जारी की गई है जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के पोस्ट है। दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नीचे आपको यहीं पे आना है, यहीं से वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं या तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आइए sarkarijobfind.com को, sarkarijobfind.com को आप कैसे आना है आपको गूगल में सर्च कीजिए सरकारी जॉब। जैसे ही सरकारी जॉब गूगल में सर्च करेंगे आप अपने मोबाइल पे अपने कंप्यूटर पे आप यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगी sarkarijobfind.com, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे आइएगा sarkarijobfind.com वेबसाइट खुल गई, आपको आना है लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RPSC स्कूल टीचर, यहाँ पे प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर ऑनलाइन फॉर्म, बस आपको इस फॉर्म पे आ जाना है, इस वाले लिंक पे आ जाना है और मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और दोस्तों sarkarijobfind.com की भी लिंक आपको मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आप इस वेबसाइट को जरूर से देखा कीजिए दिन में 3 से 4 बार, ये बहुत ही हेल्पफुल साइट है, जो भी फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो फॉर्म भरने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों है राजस्थान की तरफ से प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर ग्रेड 3 का फॉर्म है, फॉर्म जो भरा जा रहा है 14 तारीख से 14 अप्रैल से, लास्ट डेट की रखी गई है 30 अप्रैल, तो ज्यादा दिन नहीं बचा है, जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिए और आप जल्दी जल्दी सभी काम को करिएगा क्योंकि ये बहुत ही कम दिन दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, जरूर से जरूर फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल रखी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 350, तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे आउट ऑफ राजस्थान हो वो भी भर सकता है बिल्कुल। यहाँ पे SC ST PW के लिए 70 रुपए फीस है, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से फीस पेमेंट करनी है, बिल्कुल पेमेंट आपकी फीस हो जाएगी। 26,000 पोस्ट की वैकेंसी है, प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 है, मतलब 1 से 5 तक के लिए और 6 से 8 तक के लिए, जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के लिए जो पोस्ट है जिसमें आपको जनरल एजुकेशन के लिए 25,250, स्पेशल एजुकेशन के लिए 750 पोस्ट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 36 में आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ चूरू यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसी दी गई है जिसमें जनरल एजुकेशन के लिए पोस्ट दी गई है, आपको यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के लिए पोस्ट दी गई है, तो यहाँ पे लगभग बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट का भरना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट का भर सकते हैं, जैसे कि अजमेर है, अलवर है, बहुत सारी पोस्ट की वैकेंसी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है, उस फॉर्म को भरिए या टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक हियर पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आप फॉर्म को भर सकते हैं, राजस्थान की तरफ से वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे अपना यूजर नेम आईडी बनाइएगा, आगे फॉर्म भर दीजिएगा और यहाँ पे सारी चीजें आपको और मिल जाएंगी, यहाँ पे ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम नोटिफिकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आपको जो है नोटिफिकेशन मिला है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको खुल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपको खुल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग जिले की अलग अलग दिया गया है, तो उसमें आपको क्या क्या मांगे हैं आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको ये देखिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं, तो आप जो है इस वैकेंसी को जरूर से भरिए, काफी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें आपको ये देखिए बीएड बीटीसी के लिए योग्यता मांगी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो के साथ नई वैकेंसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।